उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर इस समय देखा जा सकता है कि स्टेशन के अंदर आने और जाने वाले सभी गेट बंद हैं, सिर्फ एक गेट चालू है। यहां से यात्री आना और जाना कर रहे हैं और बाकी के सारे गेट बंद हैं। इस मुख्य गेट पर वहीं यात्री आ और जा पा रहे हैं जिनके आने जाने के टिकट बुक हैं और कम्प्लीट हैं। इस मुख्य गेट पर पहले यात्रियों के टिकट चेक किए जा रहे हैं और फिर कोरोना टेस्ट कर रेलवे स्टेशन के अंदर जाने दिया जा रहा है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इस समय कई ट्रेनें बंद हैं और कुछ ट्रेनें ही चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यह सब किया जा रहा है, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन के बाद। बताइए क्या नाम है आपका और यहाँ पर रेलवे में किस है? मेरा नाम दिनेश प्रसाद मीना है। अच्छा दिनेश जी, रेलवे स्टेशन पर किस प्रकार से यात्रियों को अंदर आने दिया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर किस प्रकार से क्या हो रहा है? अभी रेलवे जिसका टिकट कंफर्म है, जो यात्री इमरजेंसी यात्रा करना चाह रहा है उसी को अंदर आने दिया जा रहा है, बाकी को अलाउ नहीं है। अच्छा। उसका टेम्परेचर मापा जा रहा है और तभी उसको अलाउ किया जा रहा है। अच्छा। मुख्य गेट जो कई तीन चार गेट थे, अब उनको किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बंद किए गए हैं या शुरू किए गए हैं, किस प्रकार से क्या हो रहा है? उनको इसलिए बंद कर दिया गया है ताकि कोई बिना टिकट वाला यात्री इधर उधर से आ ना सके। ये अभी मेन गेट यही है जिसमें एंट्रेंस और एग्जिट दोनों इधर से ही है। आने वाले यात्री भी इधर से आएंगे और जाने वाले भी यहीं से जाएंगे। किस प्रकार से आप लोग चेक करते हैं, किस प्रकार से क्या रहता है और क्या मापदंड रहते हैं, क्या रहता है? अभी जिसका टिकट कन्फर्म है, जो यात्री यात्रा करना चाह रहा है उसको एक घंटे पहले या डेढ़ घंटे पहले का अलाउ किया जा रहा है, वो पहले आएंगे, उनका टिकट देखा जाएगा, उनका आधार कार्ड जो भी आईडी कार्ड है वो देखा जाएगा, फिर उनको अलाउ किया जाता है। और इसके अलावा अन्य जैसे प्लेटफॉर्म टिकट है या ये छोड़ने आने वाले लोग हैं या अन्य लोग हैं? अभी प्लेटफॉर्म टिकट अभी इशू नहीं कर रहे हैं, उनको गेट से बाहर कर दिया जा रहा है। जो यात्री यात्रा कर रहा है बस उसी को अलाउ है, वही जा रहा है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।